Assalamu alaikum Nazdeen, Shirin welcomes you to the show. Nazdeen, aaj mera dil chaha Hazrat Ali ke kuch call revise karke aapko. Main waqtan batati rehti hoon, lekin aaj maine kuch collections ki hain kyunki ye aqwal-e-zari hain jo hamari zindagi mein hamare kaam aayenge. Hazrat Ali ne farmaya, Hazrat Taala ne farmaya, lafz tumhare ghulam hote hain jab tak wo tumhare bolne se nahi bahar aaye. जैसे ही तुम बोलते हो तुम उसके गुलाम हो जाते हो. कोई दिल दुखाए तो नाराज मत होना. जिस दरख्त पर फल लगता है वो मीठा होता है और वो ही झुकता है. रिश्ते खून के नहीं होते, एहसास के होते हैं. और एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं, और अगर एहसास हो तो अजनबी अपने बन जाते हैं. रिश्ते के पीछे मत भागा करो. गौर कीजिएगा, रिस्क के पीछे मत भागा करो. वो इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत. जानवर में ख्वाहिश, फरिश्तों में अकल होती है. इंसान में दोनों चीजें होती हैं, मगर कभी इंसान अकल के पीछे खराब होता है और कभी इंसान अपनी ख्वाहिशों के पीछे. अच्छा दोस्त जितना बुरा बन जाए दोस्ती ना छोड़ो, क्योंकि गंदा पानी कभी आग बुझाने के भी काम आता है. और नाज़रीन, हजरत अली ने यह भी फरमाया, जितना मुझे इल्म था किसी ने मुझसे पूछा नहीं, जितना मुझे इल्म था किसी ने मुझसे पूछा नहीं, और जितना मैं सखी था किसी ने मुझसे मांगा नहीं. जबान का वजन बहुत हल्का होता है, मगर जबान से निकले हुए अल्फाज बहुत वजन रखते हैं. जिस दिन किसी की मदद करते वक्त आप किसी की मदद करें, तो हजरत अली ने फरमाया, उसके चेहरे की तरफ मत देखें, हो सकता है उसकी नदामत जब आप महसूस करें तो आपको उतनी नेकी ना मिले. नाज़रीन, ये हजरत अली का कॉल था. आज इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है, और उसके बाद ये भी मैं बता दूं कि 16 दिन ऑफ एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन का ये 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये दिन मनाए जा रहे हैं. आपको पता है कि विमेन एम्पावरमेंट और औरतों की एम्पावरमेंट के लिए मेरी जिंदगी सर्फ होती है. मैंने आज बड़ी स्ट्रांग औरतें आपको मिलाने के लिए बुलाई हैं. आइए मैं आपका तारुफ इनसे कराऊं और आपको पता लगेगा कि औरतें क्या नहीं कर सकती. कायदे आजम ने ऐसे नहीं कहा कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जब तक उनकी औरतें एम्पावर्ड ना हो और एजुकेटेड ना हो. जी, मेरी पहली मेहमान बड़ी डायनामिक औरत हैं, और उनका नाम है डॉक्टर रक्षंदा. शी इज अ विमेन राइट एक्टिविस्ट, जेंडर बेस्ड वायलेंस पे ये काम करती हैं. डॉक्टर रक्षंदा, वेरी ऑनर्ड टू हैव यू हियर. मेरी दूसरी मेहमान शहनाज कपाड़िया हैं, ये मेंटोर हैं और सोशल एंटरप्राइजर हैं. थैंक यू सो मच शहनाज जी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट आप बांग्लादेश में पैदा हुई, आपके पेरेंट्स वहां के थे, एंड यू आर लिविंग हियर. हमारी तीसरी मेहमान, आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव यू, रोमेला जी. You are a disabled person and आपको इसकी नदामत नहीं है, एंड 2005 के अर्थक्वेक में आपकी दोनों टांगें जाया हो गई. थैंक यू सो मच फॉर बींग हियर. जी नाज़रीन, मेहमानों पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि पंजाब गवर्नमेंट में एटलीस्ट क्या क्या काम औरतों के लिए हुए. आइए हम क्लिप देखते हैं. बानिए ममलिकत का कहना है कि कोई कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी खातीन मर्दों के शाना बशाना न चले.
लिहाजा पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए जरूरी है कि यहाँ की औरतें तालीम याफ्ता, सेहतमंद, हुनरमंद और बाइख्तियार हों। पाकिस्तानी खवातीन यूं तो जिंदगी के तमाम शोबों में नुमाया कारकर्दगी पेश कर रही हैं, लेकिन इन्हें बराबरी और तरक्की के यकसा मौके के हसूल में बेशुमार चैलेंजेस दरपेश हैं। हुकूमत पंजाब ने वजीर आला जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की क्यादत में 2012 में वुमेन एम्पावरमेंट पैकेज किया और इसकी अमली तश्कील के लिए 2014 में पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन यानी कमीशन बराए हकूक खवातीन का इदारा कायम किया। PCHW कमीशन खवातीन को मसावी हकूक की फराहमी के साथ साथ माशरे का बाइख्तियार शहरी बनाना है। PCHW खवातीन के हक़ विरासत, कम उम्री की शादी की रोकथाम, बच्चों की पैदाइश का इंदराज और सरकारी इदारों के बोर्ड और कमेटियों में खवातीन की शमूलियत के हवाले से सूबाई असम्बली में कानून साजी के अमल को बेहतर बनाता है। ये इदारा सूबाई वजीर बराए वुमेन डेवलपमेंट की जेर रहनुमाई काम करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, पंजाब हुकूमत और वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनके साथ है और जितनी भी खवातीन है वो अपने आप को बिल्कुल भी अकेला न समझे। खातीन की बेहतर रहनुमाई और कानूनी इमदाद के लिए एक लीगल टीम और हेल्पलाइन की सहूलत भी फराहम की गई है। खातीन 1043 पर कॉल करके रहनुमाई हासिल कर सकती हैं। GMIS में खातीन के हवाले से तमाम मसला का डाटा मौजूद है। इन तमाम आदाद शुमार का तजिया करने के बाद पंजाब वो वाहिद सूबा है जहां पहली जेंडर पैरिटी रिपोर्ट शाया की गई है। जेंडर पैरिटी रिपोर्ट में आबादी के तनासुब और गवर्नेंस के डाटा के मुताबिक सूबा पंजाब की मौजूदा आबादी 105 मिलियन है, जिसमें से मर्दों का तनासुब 52%, जबकि खातीन 48% है। शोबा सेहत के आदाद शुमार जचकी संवाद में पिछले सालों की निस्बत कमी की निशानदेही करते हैं। Our women have always been very proactive, particularly in rural areas. They contribute side by side with male population in promoting rural economic well-being and its socio-economic benefits. Gender parity report has been generated in Punjab and this is the first report of its kind in Pakistan's history. GMIS or Gender Parity Report yaqeeni taur par policy saazi, qawaneen par amal daramad, muassar monitoring aur behtar faisla saazi mein aham kirdar ada karenge aur hum dekhenge khawateen ki sharah khandagi mein izafa hoga, inke khilaf jaraim ka khatma hoga, inke huquq ka tahaffuz hoga, inki har shobay zindagi mein yaksa shumuliyat hogi aur एक एतदाल पसंद, तरक्की याफ्ता और रोशन ख्याल पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा साबित होगा। जी मैंने आप लोगों को ये क्लिप दिखाया पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब और आप सबको मुल्तान में जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का सेंटर है, डॉक्टर रक्षंदा यू बीन देयर, आई बीन देयर और बिकॉज आई एम फ्रॉम साउथ पंजाब, एक छोटे इलाके से हूँ, मुझे ये मुश्किलात जो औरतों की है, हाउ डू यू फाइंड दैट सेंटर? जो पहली बात तो ये कि ये सबसे अच्छी बात ये है कि आज हम 2017 में PTV पर हम औरतों और बच्चों के खिलाफ जो तशद्दुद और नाइंसाफियां होती हैं उसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं। हमारी जो टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान में वो उसके बारे में उसका रवैया जो है वो डिनाइल का नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बड़ा दुखी कर देने वाला मौजू होता है और मुल्कों को, रियासतों को और हमारे जैसी माशरों को इस पर शर्म आती है, लेकिन और उस शर्म से शर्मिंदगी होती है और उसको छुपाने का ज्यादा रुझान होता है। जी हाँ, मैं इसी तरफ आ रही थी जिसको मैंने कई दफा विजिट भी किया और पंजाब गवर्नमेंट का ये जो कदम है उसको मैं एक मौजा कहूंगी, क्योंकि वही आप वाली बात कि जो लोग पाकिस्तान को समझते हैं खासतौर पर जनूबी पंजाब के महरूमियों को समझते हैं, तो मुल्तान जैसी जगह पर और इतना ये जैसे मुल्तान वो पूरे जो है प्रोविंस के लिए है, पंजाब के लिए है और ये उसमें देखें उसके अंदर अंडर वन रूफ, जी अंडर वन रूफ थाना है, आपको मेडिकल लीगल की फैसिलिटेज है, डॉक्टर है, काउंसलिंग है, यानी सब कुछ जो है, पुलिस रिपोर्टिंग सब कुछ है उसके अंदर। और ये जिस तरह अगर वैसे कोई जुर्म होता है और खासतौर पर खवाती तो सबसे बड़ा इशू होता है कि अगर कोई
हिम्मत करके सोचे थे कि हमने पुलिस के पास जाना है, तो ये होता है कि क्या ये हमारे इलाके का केस है कि नहीं। अब उसमें ये वाला भी जो एक बड़ा बैरियर होता है कि तो उसमें खानेवाल से भी लोग वहां पे आ रहे हैं, तो ये एक ऐसी अच्छी कोशिश है और एक अमली कदम है जिसपे यकीनन हम सब पाकिस्तानियों को खुशी होनी चाहिए। और ऐसे सेंटर्स आपको पता था 1043 एक नंबर है जिसपे अगर आप फोन करें, आपको कोई परेशान कर रहा है, बेटा आपको भी पता था कि कोई परेशान कर रहा है, हेल्पलाइन है, तो आपको फौरन आपको अटेंड किया जाएगा और इसको मॉनिटर चीफ मिनिस्टर खुद करते हैं पंजाब के जी। तो ये जो कोशिशें हैं ना वो जिसे कहते हैं सही सिंध की जानिब जो है चंद अकदाम हैं और इसकी जरूरत है अभी और ज्यादा है। सिर्फ एक सेंटर नहीं, कई सेंटर और पूरे मुल्क में, क्योंकि पाकिस्तान में 8 रीजन्स हैं और असल में 3 सूबों में डॉक्टर साहब ये हैं डिफरेंट हुकूमतें जो भी है, तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए। देखें बाज इश्यूज ऐसे होते हैं जिस तरह आप कॉमन पार्लियामेंट में रह चुकी हैं, जिस तरह पार्लियामेंट्री वुमेन कॉकस है, तो जो उसमें जो औरतें होती हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों की होती हैं जो हमारी पार्लियमान है, लेकिन जब वो इश्यूज औरतों के होते हैं तो वो इकट्ठी होती हैं, जो बहुत बड़ी खूबसूरती है, जो कि हम हमेशा पाकिस्तान पे अक्सर तनकीद भी की जाती है, तो कुछ खूबसूरती भी है जिसको उजागर करना चाहिए कि कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज होते हैं जिसका ताल्लुक हमारे मुल्क के इमेज से होता है, उसकी तरक्की से होता है। पार्लियामेंट की पार्लियामेंटेरियन वुमेन से क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि जो कॉमन मैसेज हैं, जो मेरे जैसी औरतें हैं और जो मुझसे भी बहुत मतलब मैं तो फिर मुझे तालीम मिली, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, हाँ हम चारों में इसलिए कह रही हूँ कि हम देखने में हम बहुत प्रिविलेज लग रहे होंगे जो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हमसे बहुत मिलियंस ऐसी औरतें हैं जो अभी उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। तो जो हमारी पार्लियामेंट में जो एक तो सारे पार्लियामान इसमें मर्द और औरतों को मैं अलग नहीं कर रही, लेकिन खवातीन का चूंकि एक नर्चरिंग रवैया भी होता है, उनसे हम ज्यादा बेहतर रिजल्ट भी एक्सपेक्ट करते हैं। लेजिस्लेटिव बिजनेस आप देखें तो खवातीन ने ज्यादा किया है हमारी पार्लियामेंट में। तो मैं ये चाहती हूँ बहसियत एक पाकिस्तानी औरत के कि हमारी जो खवातीन जो सियासत में हैं और वो खवातीन जो पार्लियामेंट तक पहुंच गई हैं, वो अपना ये वक्त जो है ना एक आम औरत की खुद मुख्तारी के लिए, जो एम्पावरमेंट जिसका आप बहुत जिक्र करती हैं और उसके लिए आपने भी बहुत ज्यादा काम किया, क्योंकि एम्पावरमेंट ये नहीं है कि चंद खवातीन जो है ना वो कोई अवार्ड ले लें या कोई कामयाबी हासिल करें, जो बहुत जरूरी है उनकी जिंदगी के लिए और हमारी इज्तिमाई खुशी के लिए, कि हमें भी खुशी होती है टीवी पे देख के या अखबार में पढ़ के। खवातीन की एम्पावरमेंट तब होगी जब एक आम औरत जो है जो किसी दूर दराज देहात में है, किसी छोटे से शहर में है या इस्लामाबाद जैसी जगह में भी है, तो वो कर सके जो उसकी मर्जी है, जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो एम्पावरमेंट होगी और उसके लिए खवातीन पार्लियामान को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक, आप सही कह रही हैं और आप वो बातें कर रही हैं जो मेरे दिल में ऐसे उतर रही हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक उस छोटे इलाके से है और जब मैं बीए करके मेरी शादी हुई, माय हस्बैंड आई एम अ विडो सिंस 18 इयर्स, तो मैंने शादी के बाद सोचा कि मैं लॉ करूं, फर्स्ट सेमेस्टर किया, मेरे हस्बैंड ने मेरे पेपर्स फाड़ दिए कि यू कांट स्टडी मोर, मुझे इतनी पढ़ाई नहीं चाहिए एज अ औरत, तुम बच्चे संभालो घर को देखो। शनाज जी आपने बड़ा एक प्यारा वर्ड यूज किया कि इस वक्त मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है कि मैं क्या हूं। आपका भी मैं यहाँ बता दूं, आप सबको पता ही है कि जब जलजला आया तो आपका एक बेटा, जवान बेटा, उसकी डेथ हो गई। तो शनाज जी आप कहती हैं कि वो जिंदगी का वाकया मैं आप सबके थोड़े थोड़े हाईलाइट करना चाहती हूँ प्रोफाइल्स, क्योंकि अमूमन होता है कि कोई हादसा हो जाए इंसान नीचे चला जाता है। आपने कैसे सोचा, इसके बाद आप हार्वर्ड गई पढ़ने, आप खुद बताएं। देखिए उतार चढ़ाव तो हर जिंदगी में आता है, अभी आपने एक वाकया बताया आपकी जिंदगी में, एक आपकी आंख के आंसू मुझे आपका दुख बता रहे हैं, बट सॉरी मुझे यहाँ पे ये बताना है जी। सही, मैं भी 20 साल से माय हस्बैंड डाइड, तो मेरे बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, लेकिन मैंने सोचा कि चले बच्चों को इंसान बड़ा करता है, जाहिर है मुझे ही करना था और मैं कर भी रही थी और बहुत सुकून की एक जिंदगी चल रही थी। हम बड़गला आवाज में थे, वो आपको आपके साथ भी हादसा हुआ है, तो उस दिन मुझे याद है कि मेरा बड़ा बेटा गिर गया, ही डाइड, मेरा छोटा बेटा वो भी पिलर के नीचे आ गया,
और बहुत जख्मी हो गया और फिर 2 साल उसके ऑपरेशन रहे. मुझे रत्ती भर चोट नहीं आई, मैं भी साथ थी. तो बस अल्लाह ने आपको और औरतों को स्ट्रांग बनाने के लिए जिंदा रखा. सच बताए कि इंसान उस वक्त बहुत कुछ अपने आप से कहता है ना कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं मुझे कुछ, मैं क्यों बच गई. तो उस वक्त मैंने यही सोचा कि शायद इसलिए कि मुझे काम आना है औरों का. और मैं कर भी रही थी उस वक्त भी, मैं कर रही थी ख्वातीन के साथ बहुत सारा काम कर रही थी. और मेरा ज्यादा काम था आपने उनको MBA किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बाद में जाके. जी अभी जाके रिसेंटली. हाँ जी. लेकिन ये हुआ कि सन 2005 में जब ये हादसा आया उसके बाद थोड़ा सा संभलने का मौका मिला. तो मेरा दिल यही चाहा कि मैं बहुत सारे लोगों के काम आऊं, तो औरतों के लिए कुछ, खासतौर पर औरतों के लिए. हाँ. और उनको कारोबार की तरफ ले आओ, उनको कमाने का. जल्दी से आप बता दें अब आप क्या करती हैं. अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं एक इदारा चलाती हूँ मेरा मान के नाम से. हाँ. ये मेरा बेटा जो फौत हो गया था उसके नाम पे है, सलमान. अच्छा. के नाम पे. और आप वहाँ पे आर्टिसंस को ट्रेनिंग देती हैं? नहीं, हम बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स को या इदारे को या इलाकों को तरबियत देते हैं ताकि वो ट्रेनिंग करती हैं. हाँ, खासतौर पे पैकेज देखा इसमें जो चीज मैं हाईलाइट करूंगी इस पैकेज में, कमीशन बराए हकूक खवातीन सरकारी और निजी सतह पर एक निजाम बनाता है. इसमें कमेटियों में खवातीन की शिरकत, नौकरियों में औरतों की कोटा, उनकी रहनुमाई, हेल्पलाइन का जिक्र हो गया, उसके बाद ऑनलाइन जेंडर मैनेजमेंट की जैसे रिपोर्ट आ गई है, जेंडर जनरेटेड चीजें कर रहे हैं पंजाब में, जिसमें विमेन को क्यों शनाजिफ, आई एम नॉट रॉन्ग, आपने भी पर्सनली विजिट की हैं और मैंने भी की हैं. हेल्थ के ऊपर काम हो रहा है, औरतों के ऊपर जो केसेस होते हैं उनका सिस्टम जुडिशरी का हो रहा है. और आप क्या समझती हैं कि होना चाहिए? मेरे ख्याल से देखिए ये सब बहुत जरूरी है जितनी आपने बात हो रहा है, लेकिन इसके अलावा मैंने ये देखा है कि ख्वातीन जब अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाती है, जब वो खुद कमा सकती है, तो फिर उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर होता है. फैसला साजी के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप चूज कर सके, और आप चूज उस वक्त कर सकते हैं. हाँ, आप उस वक्त चूज कर सकते हैं ना जब आपके पास खुद अपनी इनकम हो, या आपको पता है कि मैं अगर ये करूंगी, ये फैसला लूंगी तो भी मैं सरवाइव कर जाऊंगी. तो मेरा ज्यादा काम इस हवाले से रहा है कि उनको ये रास्ता दिखाना कि अगर वो नौकरी करना चाहे, अगर वो कारोबार करना चाहे तो कैसे करे, क्योंकि जाहिर है डर लगता है ना. अच्छा, आप चाहती हैं कि इस पे ज्यादा गवर्नमेंट, मेरे ख्याल गवर्नमेंट कर भी रही है. जो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक गुजर रहे हैं, इस हवाले से मैं अभी रक्षंदा से भी और पूछूंगी, बिकॉज आई नीड हर इनपुट. What do you want more? I think definitely ये जो जितना TEFTA और जितने vocational training इदारे कर रहे तो वो offer करते हैं training, skill training. पर होना होगा भी वो उसकी भी surety देते हैं. Job की surety नहीं, but उनको facilitate करते हैं. Facilitate करते हैं, certification देते हैं. लेकिन ये बहुत कम है शरीन, आप देखें जरूरत कितनी है. हाँ, और अवेलेबिलिटी कितनी है. एटलीस्ट इट्स अ स्टार्ट. देखिए इट्स अ स्टार्ट. मैं रोमिला जी आपके साथ आती हूँ. मैंने भी शनाज से ये बहुत ही डिटेल में बात कर ली अबाउट आपके जलजला में दोनों टांगे रह गई. हाउ ओल्ड वर यू? नाउ आई एम 26 इयर्स ओल्ड. और जब ये हुआ था उस टाइम पे मैं 16 साल की थी. अब आप क्या करती हैं? अभी मैं रिसेंटली इम्पावर पाकिस्तान के साथ काम कर रही हूँ, और मुख्तलिफ DPOs हैं, NGOs हैं, मेरा उनके साथ काफ़ी लिंक है. तो मैं डिसेबिलिटी पे काम करती हूँ एज अ सोशल एक्टिविस्ट, मतलब अवेयरनेस देना लोगों को, सेशंस करवाना, ट्रेनिंग भी आ जाती है, मेंटोरिंग भी आ जाती है. अच्छा बेटा, एक तो आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस हियर दैट आपको 2 साल की ऑस्ट्रेलिया में आप स्कॉलरशिप पे आगे पढ़ने जा रही हैं. तो बेटा अल्लाह ताला कॉम्पेंसेट करता है, हुकूमतें तो करती हैं, बट ऊपर वाला बैठा है वो आपको
कभी कभी उन तकलीफों से निकालते एक मिसाल भी बनाता है। ये तो आपने बातें सुनी, पंजाब गवर्नमेंट में ये सब कुछ हो रहा है, वॉट एल्स? एक स्पेशल कोटा है फॉर डिसेबल्ड ऑलरेडी, इट इज देयर, और आप और क्या चाहती हैं? व्हाट यू वांट द गवर्नमेंट टू डू? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी कि मुझे आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे जाके मैं अपनी बात कर सकूँ, मैम रक्षिंदा परवीन और इन सब के सामने। मतलब मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट अ लर्नर, तो मेरे ख्याल से बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर माजूर अफराद को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। अगर मैं इश्यूज पे बात करूं तो इट कुड बी अ लॉन्ग डिबेट, बहुत लंबी उसमें बात चली जाएगी। बट जहां पे औरतों के हकूक के हवाले से बात की जाती है या वायलेंस की बात की जाती है, तो मेरे ख्याल से वुमेन विद डिसेबिलिटी को बहुत कम उनके हवाले से बात की जाती है कि वुमेन विद डिसेबिलिटी में आज आपको किस तरह का वायलेंस या उनको क्या उनके बेसिक राइट्स पे बात क्यों नहीं की जा रही। पाकिस्तान के अंदर मैं ये चाहती हूँ कि माजूर अफराद के लिए एक डिसेबिलिटी एक्ट होना चाहिए जहाँ पे अगर कोई भी उनको अगर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, इक्वल एजुकेशन की बात नहीं हो रही, तो वो लॉ को इन्फोर्स करके तो अपने राइट्स की बात कर सके। तो एक तो ये चीज आ जाती है पॉलिटिक्स के अंदर, पर्सन विद डिसेबिलिटी स्पेशली वुमेन विद डिसेबिलिटी की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। स्टेट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे एक बंदा एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को होना चाहिए। कोटा भी है लेकिन कोटे को रियल बेसिस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अच्छा, तो लोग उसको मिसयूज भी कर लेते हैं, मतलब माइनर की डिसेबिलिटी होती है उसको दिखा के डिसेबिलिटी, बड़े जो डिसेबल्स हैं, जो डिसेबल हैं हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उनको आगे नहीं किया जाता। तो इश्यूज पे बात की जाए तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे बात की जा सकती है और हम लोग चाहते हैं कि उनका एक पॉसिबल सोल्यूशन भी हो। अच्छा जी, अच्छा बेटा, जैसे मैंने आप लोगों को पंजाब गवर्नमेंट की क्लिप दिखाई और मुझे ये बच्ची थोड़ा सा गाती तो नहीं, लेकिन मैंने इसको आज सिंगर भी नहीं बुलाया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू इनकरेज हर। हम मुल्क और कौम का एक नगमा हर दफा जरूर सुनाते हैं टू इनकरेज, और जो लॉ एंड टेररिज्म के ऊपर काम किया हमारी फौज ने, हमारी सिविल गवर्नमेंट ने, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बेटा आप मुल्क और कौम का अपनी आवाज में, जैसे आपने, यू डोंट नीड टू बी अ सिंगर टू गिव ट्रिब्यूट टू योर कंट्री एंड कंट्री मैन, टू योर आर्मी, टू योर सिविल पीपल, आप क्या सुनाएंगी? सुनाए जी, मैं सुनाती हूँ। आई एम नॉट अ गुड सिंगर बट आई विल ट्राई माय। नहीं नहीं, आप बिल्कुल गाएं। चांद मेरी जमी, फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमी, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाल यमन, मेरे खेतों की मट्टी में लाल यमन, चांद मेरी जमी, फूल मेरा वतन, मेरे फौजी जवां जुर्रतों का निशान, मेरे फौजी जवां जुर्रतों का निशान, मेरे अहले वतन अजमतों की जुबान, चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन। हर काम आप करते, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मल्टी टैलेंटेड जी, बिल्कुल बिल्कुल। रक्षिंदा जी, ये जो दिन हम 10 दिसंबर तक कर रहे हैं, इन दिनों में क्या हो रहा है? हम मतलब क्या अपनी औरतों को, ये हमारी विलेजेस में भी प्रोग्राम जा रहा है, क्या करें? पहली बात इसमें कैसे ये 16 दिन एहतजाज के होते हैं कि औरतों और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ये एक तरीके की जो धरने हो रहे हैं, ये एहतजाज काफी नहीं है, एहतजाज का लफ्ज तो अब ये भी नाम कर रहा। मैं प्रोटेस्ट को उर्दू में बोलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक तो ये तशद्दुद के खिलाफ, तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज है, इसीलिए मैं खासतौर पर हाईलाइट औरतों और लड़कियों के खिलाफ आजकल फैशन है धरने। हाँ, हर बात, लेकिन हमारा दिल चाहता है कि यही आपसे मैं क्लू लूंगी कि ये जो फैशन भी अगर है तो ये हम चाहते हैं कि
एक कॉज की खातिर ऐसा एहतजाज जो है ना वो बाकी जो साल के 365 दिन होते हैं बाकी दिनों में भी हो, और इसमें सिर्फ औरतों और लड़कियों को आगे बढ़कर काम नहीं करना कि उनको अपने हकूक मालूम हो और उनको पता हो कि वो पढ़ सकती हैं, वो ख्वाब देख सकती हैं, वो छोटा कारोबार कर सकती हैं, वो बड़ा कारोबार भी कर सकती हैं, वो पार्लियामेंट तक भी जा सकती हैं, बल्कि जो मर्द हैं, जो लड़के हैं, जो हमारे भाई और बेटे हैं, जो हमारी खानदान में जो मर्द हैं और जब हम पब्लिक स्पेस में जाते हैं वहां, उनको भी सेंसिटाइज किया जाए कि हमें देखिए वो सोशल गेट कीपर्स हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मर्दों की जो है ना वो डोमिनेंस होती है रिसोर्सेज पे और इख्तियारात पे। तो जब तक वो इस बात को नहीं समझेंगे कि अगर औरतों को मसावी हुकूक दिए जाएं, उनके साथ नाइंसाफी ना हो, तो खुद उनके लिए, उनकी सोसाइटी के लिए ये बात। मैं आपसे इमोशनल टैबूज पे भी बात करूंगी, जो औरतों की वो भी चीज इमोशनल होता है, मैं अभी बात करूंगी। ब्रेक का टाइम हो गया, और ये भी ब्रेक से पहले जल्दी से बता दूं कि एक खावंद अगर बीवी को उठ के सुबह एक फूल ही दे दे तो ये औरत साथ खुश होने वाली जिंदगी में फूल दे दे तब ये तो जैसे हम खुश करें अपने प्यारों को, अपनी औरतों को होंगी। स्टे ट्यून्ड विद अस, वी गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। प्रोजेक्ट है कि जो बात को वन बेल्ट वन रोड की करता है, इकोनॉमिक कॉरिडोर की करता है, आपस में तजारती रास्ते की बात करता है, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मजमूई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये साबका वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ का नजरिया था, और उनकी बदौलत और पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी अमल की स्टेबिलिटी की वजह से मुमकिन हुआ। ये वो सकाफती रास्ता है जो लोगों के दरमियान होता है। चाइना से मुख्तलिफ जो परफॉर्मिंग आर्ट से मुंसलिक आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, उसके अलावा जर्नलिस्ट हैं, मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं, उसके अलावा फिल्म मेकर प्रोड्यूसर्स उसके अंदर मौजूद हैं, और वो पाकिस्तान को अपनी नज़र से डॉक्यूमेंट करेंगे। जो भी आदमी सकाफत का शऊर रखता है उसको ये बात मालूम है कि इस रास्ते से जो मुंसलिक तरक्की होती है वो और भी ज़्यादा मजबूत तब होती है जब लोगों के इमोशंस उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। बदलती दुनिया, बदलते हालात, दाखिली उमूर और बैरूनी ताल्लुकात,
کون بہار اس کی زندگی بدال نئی منصوبہ بندیاں یا خوابوں کے جال حکومتی پالیسیاں اور مسائل کے حل کی تلاش کس کی جو کس کے ہاتھ کریں گے ہم نشاندہی عوام سے ایوان تک اور ہوں گے غیر جانبدار تجزیے پروگرام نشاندہی میں سمیع الرحمان انٹرنیشنل اسٹوڈینٹ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے بھائی چارہ ادھر کا بھی اچھا ہے جو ادھر بھائی چارہ ملا ادھر بھی اچھا ہے وہ کام کرتی ہے جس پہ آپ کے نارمل ٹروپس نہیں پہنچ سکتے ابھی ابھی آپ نے دیکھا ہے ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہمارے کمانڈوز بہت ہی بھرپور ایکشن کر کے آئے ہیں اگر ہماری جان بھی جائے تو ملک کی خاطر ہے اور قوم کی خاطر ہے جو ہماری یوتھ ہے اس میں ٹیلنٹ ہے ہارڈ ورکنگ ہے ان کو ایک صحیح راستہ دکھانا ہے یہ وہ پلیٹ فارمز ہیں جو گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے ان کو یوٹیلائز کریں خاص طور پہ اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ خواتین کی جو نمائندگی ہے وہ پورے طریقے سے ہو سکے بلوچستان نے اسی سلسلے میں ایک بہت اچھا نیشنل سانگ ریلیز کیا وچ ہیز براٹ آل دی کمیونٹیز ٹوگیدر اٹ از اے نیشنل سانگ ان فور لینگویجز صرف آپ کو پانی روٹی کا کپڑا بھی چاہیے آپ کو بولنے کا حق بھی چاہیے ایک آف لائن مشن بالکل تیار ایوری مشن از این آپریشنل مشن ویلکم بیک جی دکشندا جی آپ سے میری بات ہو رہی تھی آپ نے بہت پیاری بات کی میں نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ ڈاکٹر تھیں کارڈیولوجسٹ تھیں تو آپ نے کہا کہ یہ جو ایموشنل پرابلمز ہیں آپ نے سمجھا کہ زندگی میں عورتوں کے ایموشنل اس کے اوپر آپ بات کریں بالکل جی پہلی بات تو یہ کہ میں یہ بھی ایک تشدد ہے میں کلینکل لائف سے ٹرانزیشن جو میں نے کی اس میں بھی تشدد کا یہ پہلو تھا کہ ہمارے پروفیشنل اور پرسنل سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ جو ساری عورتوں کے بہت ساری عورتوں کے ہوتے ہیں اس میں میں بھی شامل تھی کہ ایک مجبوری کا فیصلہ تھا لیکن بعد میں میں نے اس کو بڑا انجوائے کیا پبلک ہیلتھ ایموشنل افیکٹ ہوتا ہے دیکھیں یہی بات کہ صنفی تشدد کے خلاف جو میں پچھلے 20-25 سالوں سے اپنے طور پہ کام کر رہی ہوں اس میں ایک بہت اہم جو ڈائمینشن ہے وہ ہے ایموشنل اور سائیکولوجیکل ابیوز کی کیونکہ جو تشدد نظر آتا ہے فزیکل وائلنس جو ہوتا ہے اس کو لوگ نہیں مانتے عدالتیں تک وہاں تک بات ہی نہیں پہنچتی تو آپ سوچیں کہ جو روح پہ زخم لگتے ہیں جو دل پہ جو ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے ایک بہت اہم حصہ جو ہم بھول رہے ہیں جو گھریلو تشدد ہوتا ہے جس میں میاں بیوی کے جھگڑے جو کہ مار پیٹ اور بہت ساری اس میں تشدد کی قسمیں ہیں تو اس میں جو بچے ہوتے ہیں وہ کس طرح سفر کرتے ہیں تو یہ ایموشنلی تو اس کو جو ہے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ زندگیاں تباہ ہو جاتی اور دیکھیں ریسرچ نے یہ بھی بتایا ہے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو پرپیٹریٹر تشدد کرنے والے وہ مرد ہوتے ہیں اگر آپ ان مردوں کی بھی ہسٹری مطلب ان کے ساتھ بیٹھے ان کے پیرنٹس نے یا ان کے ساتھ بچپن میں ضرور میں ان کے کیے گئے تشدد کو لیجیٹیمائز نہیں کر رہی لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پرتشدد رویے جس معاشرے میں ہوتے ہیں چاہے گھر کے اندر یا گھر کے باہر اس سے ایک پرتشدد معاشرہ ہی جنم لیتا ہے تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم ہارمونی کی بات کریں تھوڑی نفرت کو ذرا سا دور کریں اگر میرے اور آپ کے آئیڈیالوجی نہیں ملتی فرض کریں ہمارے سیاست کے حوالے سے مختلف خیالات ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت ہی نہ کریں ہم کو ایگزسٹنس سیکھیں کہ تو یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ پاکستان جو ہے پوری دنیا جو ہے نا وہ ایک پھول ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گارڈن ہوتا ہے اس میں کئی طرح کے پھول ہوتے ہیں تو ہم ڈائیورسٹی جو ہے نا ہمارے یعنی ہم چاہتے ہیں سب ایک جیسے لگے سب ایک جیسی بات کریں تو اس کو میں اب شناز جی سے پوچھوں گی شناز جی اب مینٹورنگ کرتی ہیں ٹریننگز دیتی ہیں مجھے یہ بتائیں اور اس یہ جو میں پنجاب کی اس لیے بات کر رہی ہوں کہ وہاں پہ یہ ہوا آئی ویش
मेरे पास कुछ होता मैं और सूबों के बारे में भी बता सकती कि जैसे देखें बलूचिस्तान में, जैसे अंदरून सिंध में औरतों के साथ किस तरह ज्यादतियां होती हैं, वो अर्ली मैरिजेस और किस तरह वो कुरान के साथ निकाह शादियां बेचारों के नहीं रहा। अभी कराची में देखें जिरगे ने क्या फैसला दिया है, एक यंग कपल जो है वो मारा गया। हाँ। तो हर हिस्से में हम ये किसी भी पाकिस्तान के हिस्से को जो है ना पॉइंट ना करें। आई नीड टू टेल यू कि इसी कमीशन ने हाईलाइट किया ऑनलाइन, आप ये चेक कर सकते हैं कि 2015 में 311 केसेस थे, फिर 745 हुए, फिर 947 हुए, तेजाब के 110 हुए। खवातीन पर तशद्दुद जो है इसको अब आम अल्फाज में कैसे औरतें रिएक्ट करें, इमोशनल तशद्दुद की मैं बात कर रही हूँ। इमोशनल जी, इमोशनल देखिए मेरा अभी डॉक्टर रक्षंदा ने बहुत अच्छी बात की कि इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, शायद फिजिकल से भी ज्यादा इमोशनल का होता है ना। हाँ। मतलब लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नजर नहीं आता, ना ही उसको नजर आता है जिसपे हो रहा है और ना ही औरों को नजर आता है, तो ये ज्यादा खतरनाक है। और ये फिर आपके जो रवैये है आपके ये दिन जा रहे हैं, हम अपने आप को हम एक हो जाएं। पहले तो खवातीन के साथ एक मसला है, खवातीन खवातीन को चढ़ते हुए नहीं देख सकती। दे आर मोर गुड फ्रेंड्स विद मेन रादर देन, ये वक्त के साथ मेरा जाती तजर्बा है कि औरतें औरतों को खाम खाई जस्ट फॉर कंपैरिजन एंड कंपटीशन। श्री एक और बात भी है कि हमारे प्रोग्राम से और अक्सर ऐसी गुफ्तगू में ये तासुर आ जाता है कि मर्द और औरत के जो है ना एक जंग में मसरूफ है। यहाँ पे तबकात को भी लाना जरूरी है, एक तबका भी होता है, तो कुछ तबकाती कश्मकश जो है ना उसको भी हमें उजागर करना चाहिए, क्योंकि महरूम लोगों का एक अलग तबका है और जो प्रिविलेज्ड एक क्लास होती है, तो कुछ ऐसे हमारे रवैये और हमारे काम होते हैं जो कि क्लास एक्ट में आ जाता है। और अक्सर ये देखा गया है कि जो औरतें या मर्द भी जिनको नौकरी की जरूरत है, उनको पैसे की जरूरत है, या जिस तरह रोमेला डिसेबिलिटी राइट्स पे कर रही है कि रैम की जरूरत है, तो वो चूंकि उनकी जिंदगी इतनी प्रिविलेज्ड होती है तो वो सोचते ही नहीं कि पब्लिक के लिए भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, उसमें खवातीन और मर्दों का फिर जिक्र ही नहीं रहता। चुपती सुई उसी वक्त है जब अपने अंदर ठीक है, तो एम्पैथी जो होती है ना कि आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचे, जैसा आपने अपने अपने हालात बताए कि चूंकि जब आप सिंगल पेरेंट हुई तो तब आपको पता चला होगा कि ये कितनी मुश्किल जिंदगी वैसे ही मुश्किल होती है, और फिर इन हालात में और तो फिर आपने और औरतों के लिए काम किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज्यादातर डिसीजन मेकर्स, देखिए मैं जो कुछ एक्सेप्शंस हैं वो आदमी होते हैं, और उनके साथ जो औरतें होती हैं जब वो एक खास क्लास को अचीव कर लेती हैं, एक खास ओहदे को, तो वो एक आम औरत या आम आदमी के दुख से बहुत दूर हो जाती हैं। जी शनाज जी, इसके ऊपर लेट्स क्विकली आई वांट योर सजेशंस व्हाट लाइक आई विल नॉट से ओनली पंजाब गवर्नमेंट शुड डू बिकॉज दे ऑलरेडी डूइंग, सारा पाकिस्तान व्हाट शुड बी डन फॉर देम एंड मोर। एक तो ये कि काउंसलिंग सेंटर्स जो है वो बहुत ज्यादा खुलने चाहिए, लेकिन ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में खुलने चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ये ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे करिकुलम में ये ऐड होना चाहिए, ये हमारे करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए ताकि आप अपने आप को पहचाने, आप जो जिन तकलीफों से गुजर रहे उन तकलीफों को पहचान भी लें और उसके बाद आप एक्सेप्ट भी करें ना। शनाख्त देखती नहीं थी जैसे हमारे सिलेबस में होम इकोनॉमिक्स का जरूर होता था, और हम छोटे छोटे खाने बनाना और सिलाई करना वो कंपलसरी होता था जब हम पढ़ते थे, अब वो कंपलसरी नहीं है, दैट्स ऑप्शनल। वो तो मेरे ख्याल से लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए कंपलसरी होना चाहिए। क्विकली सी बहुत हमने बातें वो कर दी हैं बेटा, किसी को कोई अच्छी रेसिपी नहीं। कहना चाहती हूँ कि मतलब रिपोर्टिंग नहीं हो रही ना वायलेंस के हवाले से। अच्छा, अगर वुमेन अपनी रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर दे, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, फैमिली की भी होती हैं, तो वो अपने ऊपर जो तशद्दुद है उसको खुल के नहीं बता सकते कि हमें ये प्रॉब्लम है या हम फेस कर रहे हैं, तो वहां पे भी बात रुक जाती है। रिपोर्टिंग 1043 जो हेल्पलाइन है, मैं तो ये रिक्वेस्ट इस प्रोग्राम के हवाले से, इफ यू एग्री विद मी रक्षंदा, कि मैं ये कहूंगी सीएम पंजाब भी कम से कम फेडरल गवर्नमेंट भी नून लीग की है, और एक कंपलसरी कर दे हर सूबे में कि ये हेल्पलाइन हर सूबे में काम करे,
व्हाट डू यू पीपल थिंक? बिल्कुल, और देखिए इसमें एक और रोल इन दिनों में, हाँ जी, स्कूल कॉलेजेस का तो है, लेकिन जो मीडिया मैस मीडिया है, खुसूसन पीटीवी, क्योंकि वो पाकिस्तान के हर शहर हर गांव तक उसकी पहुंच है, वहां पर औरतों के हवाले से, इंसानी हकूक के हवाले से जो कुछ भी हमारे मुल्क में अच्छा काम हो रहा है उसको बार बार हाईलाइट किया जाए, मैसेज नीड्स टू बी रिपीटेड। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं अपने आप को बहुत एक्टिव एक्टिविस्ट समझती हूँ, लेकिन मुझे आज पता चला कि अच्छा ये हेल्पलाइन भी देखें। हाँ। मैं एक बात, उसकी क्या वजह है, जब मैं टीवी खोलती हूँ, माफ कीजिएगा, सिर्फ पीटीवी की नहीं, वैसे जितने चैनल्स हैं, या तो ड्रेस डिजाइनिंग की बात हो रही है या करंट अफेयर्स का ड्रामा जो आपको पता है लगता है, तो ये जो बहुत सारी और इशू करंट अफेयर्स जितने भी, लेकिन जितने काम के, आज आपको पता लगा, आज आपके प्रोग्राम में मुझे अच्छा लगा कि करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में एक तो औरतों की बात की जाए, एक तो ये बहुत बड़ा आप ट्रेंड सेट है, और उसमें एक पब्लिक सर्विस मैसेज जो कि आप बार बार दे रही हैं कि भाई ये एक बार इशू भी तो है ना शहनाज जी, जब पीटीवी पे कोई हाईलाइट करो कि हुकूमत का क्या काम होता है, मुझे भी लोग कहते हैं कि बैठ के हुकूमत की तारीफें करती हूँ, मैंने कहा जो काम हो रहा है, अब आज में देखें, आपको नहीं पता था यू आर सच ए बिग वुमेन एक्टिविस्ट, और आपको पता लगा जो गवर्नमेंट ने काम किए यार उनको तो हाईलाइट करें, जेंडर पैरिटी पे जो रिपोर्ट है उसका तो पता था, लेकिन मैं वाकई बता रही हूँ ये अभी कुछ चले एक हफ्ते से मैंने ये वाला देखा था जो लॉयर्स को एक्सेस आप कर सकते हैं लीगल एड की हेल्पलाइन, तो वो कैसे पता चलता है, मैस कम्युनिकेशन उसके लिए होती है। आई थिंक हमारा भी बहुत फॉल्ट है, कसूर बहुत, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का जो काम था गवर्नमेंट ने किया, हाँ। अब आगे कौन ले जाएगा, हाँ। हम बड़े पेश पेश होते हैं जब कोई फॉरेन डोनर आता है, हाँ। तो हम अपना प्रोजेक्ट देते हैं, उनसे पैसा, हाँ। लेते हैं, हम प्रोजेक्ट करते हैं, ये ट्रेंड ये भी तो कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है उसको उसे भी तो हम आगे ले जा, हाँ। सकते हैं। देखिए हम प्लीज आज के बाद है, आप अपनी ट्रेनिंग्स में ये बात बताएं, शहनाज ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि पते की बात की है, बहुत ये जो एडवोकेजम है ना, अब आप देखें ना कि ये जितनी भी आपने अच्छी इकदाम बताए, मेरी दुआ है और ख्वाहिश है कि ये डोनर डिपेंडेंट ना हो, माफ कीजिएगा, ये डोनर जो कि होता ये है कि डोनर पंजाब गवर्नमेंट जिसके ऊपर हमसे, वैसे एक बात कह रही हूँ, क्योंकि जो पब्लिक स्पेंडिंग हम जब देखते हैं ना सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में कितनी है, तो वो बहुत कम होती है, इसीलिए मैं बार बार पीटीवी का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि ये एक बहुत कॉस्ट एफिशिएंट जिसे कहते हैं तरीका होगा कि आपके जो अच्छे इकदाम हैं जो औरतों के बच्चियों के इंसानों के हक में, मैं पूछती हूँ कि आप बताओ कि मीडिया जो है मजीद, आप डिसेबल्स का क्योंकि आज दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि आप क्या चाहती हैं और मीडिया का रोल और क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से पर्सन विद डिसेबिलिटी को ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर हमें एक्सेसिबिलिटी का इशू बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर हम वायलेंस की बात करते हैं तो अगर खवातीन पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो वो तशद्दुद सिर्फ एक पर्सन पे हम नहीं डाल सकते। वायलेंस तो दो लोगों के दरमियान होता है, एक फीमेल हो एक मेल हो या कोई भी उनका रिलेशनशिप हो, चाहे वो बाप बेटी का हो हस्बैंड वाइफ का हो, तो इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। जब एजुकेशन नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, तो हम अपने राइट्स के बारे में, आप एज अ डिसेबल स्कॉलरशिप पे जा रही है ना जी, तो ये आपकी मेहनत है। आई थिंक दिस इज आज के दिन हम कॉन्फिडेंस दें, और मैं थोड़ा सा अगर आप लोग एग्री करें, पता नहीं कैसे लें, जैसे मैं ये चाहूंगी कि जो डिसेबल बच्चियां हैं उनका भी एक जैसे शादी का एक ऑनलाइन ऐसा सिस्टम हो, वो अपने प्रोफाइल डालें और आपस में कनेक्शन हो और रिश्ते हो, बिकॉज डिसेबिलिटी की वजह से कितनी गर्ल्स बैठी रहती हैं, क्यों बेटा, व्हाट डू यू से? बिल्कुल ऐसा भी है, और जो आई एम सॉरी एक्सेसिबल इन्वायरमेंट की बात आ रही है, अगर वो नहीं मिल रहा ना तो हम एजुकेशन भी नहीं ले सकते। अगर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे भाई ने मुझे किया है, समटाइम्स स्टेयर्स आ जाती थी, मुझे उठा के वो ऊपर ले जाते थे, तो ऐसा इन्वायरमेंट जो फ्रेंडली नहीं है, एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो मैं अगर राइट्स की बात कर रही हूँ तो मेरे जैसी 20-25 लड़कियां जो घरों में बैठी हैं, उनको कैसे बताऊं कि राइट्स क्या हैं, ये वो लोग नहीं आके बात कर सकते। तो मीडिया एक, मैं इसको अपनी पावर समझती हूँ कि जो आपको इतना ज्यादा इंपावर करता है, आप अपनी बात कहती हो तो वो एकदम से लोगों में, अच्छा बेटा लाइटर, आप हमने इतनी औरतों की बात की, तो मैंने जब बच्ची से पूछा, मैंने कहा आप कौन सा नगमा सुनाएंगी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो, बेटा थोड़ा सा मिसरा सुना दो, उन्होंने कहा मैं ये नगमा सुनाऊंगी, ये पुत्र हटाते नहीं बिकते। ओके जी, ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, क्यों लगते फिरे बाजार कुड़े, ए
रक्षंदा जी, अब हम ये बात करते हैं कि इमोशनली हम इतनी तशद्दुद की बातें की हैं इमोशनली, क्योंकि जो आदमी सुनेंगे जो बीवियों के साथ बैठे हैं, जो बहू बेटियों के साथ बैठे हैं, कि औरतें अब क्या समझती हैं, किस तरह उनको इमोशनली खुश किया जा सकता है, मैं सबसे पूछूंगी आपका दिल क्या करता है। सिर्फ फैमिली लाइफ, सिर्फ शौहर नहीं, जो भाई हैं, जो वालिद हैं, जो बेटे हैं, उन जो मर्द के साथ जो हमारे मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं, जो हमारे को वर्कर्स हैं, कॉलीग्स हैं, सबसे पहले तो ये कि धीमी आवाज में बात करना, क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका है कि आप बहुत ऊंचे वॉल्यूम में बात करते हैं और दलील खत्म और लहजा तेज। तो अगर आप थोड़ा सा धीमा लहजा रखें और औरत को पहले इंसान समझें और सोचें कि औरत को भी तो खाने की जरूरत है, बाथरूम जाना होता है, वो ख्वाब देख सकती है, क्योंकि हमें आप तो खुद वर्किंग वुमेन, आपको पता है कि बड़े बड़े अच्छे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में औरतों के लिए रेस्टरूम का तस्वीर ही नहीं है या हम अलग अलग नहीं होते, या जिस तरह रोमेला ने बात की कि पीपल विद डिसेबिलिटीज वो तो आप भूल ही जाएं, क्योंकि हमारे जो पांच सितारों वाले रूम्स वगैरह तो बेटा एयरपोर्ट्स पे भी होते नहीं, हैं, होते हैं एक्सेसिबिलिटी का ना रसाई तक, और औरतों के लिए व्हील चेयर के लिए साथ जो है वेस्टिब्यूल्स नहीं होते, रैम्प नहीं होते, तो जो वैसे जो औरतें हैं, अगर आप ने मोटरवे तो शुक्र है अब बन गया, लेकिन उससे पहले जब दूसरी रोड पे, तो जब हम लोग अपने शुरू के जमाने में ट्रेवल करते थे तो सोच ही नहीं सकते थे कि अभी तो यहाँ चंदा जी मोटरवे को भी क्रिटिसाइज करते हैं, वो नवाज शरीफ ने मोटरवे का कंसेप्ट लाए पाकिस्तान में, जो अच्छा काम है देखें, लेकिन वो कितना लोग उसका फायदा उठा। बात ये है कि वो जाहिर है वो तो जो हमारे गवर्नमेंट चाहे जिस किसी के भी हो, उनका ये फर्ज होता है कि वो आवाम के लिए वो काम करें जो उनके हक में हो, ये टैक्स पेयर्स मनी होता है, ये एक ऑब्लिगेशन होती है, तो ये बहुत अच्छा काम जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, पाकिस्तान के लिए हो रहा है और हम सब पाकिस्तानियों के लिए हो रहा है, क्योंकि उसमें जब कोई ये तकसीस नहीं है, लेकिन चूंकि औरतों और लड़कियों की बात हम कर रहे हैं, अच्छा, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनको सबसे पहले जो है ना इंसान समझा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ रवैये की बहुत ज्यादा जो है बेहतरी की जरूरत है। आप क्या कहेंगी उन्होंने रवैया का? मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या खुश कर देती है ना, अब एक आई लव कॉर्न, ये मकाई चली तो बहुत पसंद है, तो अब जब मेरा कोई भी स्टाफ या कोई भी मेरा रिलेटिव फ्रेंड ले आता तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखो मेरे बारे में सोचा, जो चीज मुझे पसंद है, तो छोटी छोटी चीजें, इट्स नॉट बिग थिंग्स कि कोई बड़ी क्विकली तोहफा दे जी। पाकिस्तान में आई वुड मेंशन मुनीबा बेटा मजारी हेयर, कि उन्होंने जिस तरह, उनकी भी दोनों टांगे चली गई, मैं इंशाल्लाह उनको भी किसी प्रोग्राम में जरूर बुलाऊंगी, बिकॉज डिसेबिलिटी का दिन है, उनकी भी स्टोरी जिक्र करना बहुत जरूरी है। मुझे ये जल्दी से बताएं कि औरतों को आप क्या समझती हैं, कि आप जब ट्रेनिंग देती हैं, आपके जहन में सबसे ज्यादा इस तशद्दुद के दिनों के हवाले से आपके जहन में आप क्या कहती हैं उनको, क्या करें फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग करें ख्वातीन को? हाँ, मेरा ख्याल है ख्वातीन को सिर्फ मौका देने की जरूरत है, मौका देने की, अपना रास्ता खुद ढूंढती, वो ढूंढती है मौका और यकीन से खुश हो जाती हैं। नहीं सीधियां उनियन देखे शरीन, बात यह है किसी को भी मर्द हो औरत हो, उसे यकीन देने की जरूरत है कि वो कर सकती है या कर सकता है, तो वो यकीन जो है ना वो कौन देगा, है ना, वो गवर्नमेंट भी देगी और आपको फैमिली से भी मिलता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ना यकीन ना देने वाले ज्यादा है, ये कहने वाले कि यार तुम क्या कर लोगी, यार तुम क्या कर सकती हो, तो वो ऐसी कहानी है ना कि वो जो दद्दू है ना उनका एक रेस होता है, वो बड़े टावर पे जाना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो औरतें बैठी हुई हैं सारी कोई बहुत बड़े फ्यूडल बैकग्राउंड से नहीं है, इंक्लूडिंग मी, सारी मिडिल क्लास औरतें हैं, अपने स्ट्रगल से खुद आगे आई हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो तशद्दुद के दिन हैं इनमें हम ये जरूर जिक्र करें, क्यों बेटा, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि यू आर एजुकेटेड पर्सन बट यू आर अ डिसेबल्ड पर्सन, बट आप कहीं पे भी कोई कम नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? जैसे आपने पहले इनसे ये पूछा कि ऐसी क्या चीज है जो आपको इम्पावर करती है कि कोई छोटी सी खुशी या इस तरह की, तो मेरे ख्याल से एक रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जब आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करती है और आपको कहती है कि यू कैन डू दैट, आप निकलो और आप करके दिखाओ,
तो उस सिचुएशन में एक वुमेन शी कैन डू एनीथिंग, शी कैन डू एनीथिंग, बिकॉज हम हमारा टाइम इतना कम है और ये दिन 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक सिर्फ नहीं होंगे, नहीं ये पूरे साल, इंशाल्लाह ये आप लोग तो काम पूरे साल के लिए करेंगे और मैं उम्मीद रखती हूँ इसी तरह आप करते रहेंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप साउथ पंजाब जैसे में हमारे भावलपुर आए, आई विल इनवाइट यू, और वहां पे भी देखें कि हुकूमत ने साउथ पंजाब की औरतों के लिए भी बहुत कुछ किया है टेफ्टा में। लेकिन जिस तरह वहां पे महरूमियां हैं, फिर भी महरूमियां हैं, बहुत कुछ होना है। ये आप सब, हम सब, सिर्फ हमने गवर्नमेंट को नहीं देखना, ठीक है, ये सब आप लोगों ने, विद दिस प्रॉमिस मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। नाज़रीन, स्टे कनेक्टेड विद अस एट shireen.arshad.khan@gmail.com। यहाँ पे मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जिक्र करूंगी, जैसे मैंने मुनीबा अंसारी का किया, जैसे मैंने इस रोमिला बच्ची को इंट्रोड्यूस कराया। बड़ी बड़ी ऐसे बच्चियां, माए बहने बैठी हैं डिसेबिलिटी में। मैं बेगम कल्सूम नवाज की स्ट्रगल एज अ वुमन उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए की, उसके बाद समीरा मिर्जा जिस तरह वो स्पीकर थी और उन्होंने, उन्हें कैंसर हुआ लेकिन उस जगह पे बैठी रही, और किस तरह उनके हस्बैंड का उस जमाने में वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला करते थे हस्बैंड, और मैडम स्पीकर बनकर बैठा करती थी। नाज़रीन, ये सब बातें ये दिन पे लिमिटेड हम नहीं करते, एक मुस्कुराहट, एक फूल, एक छोटा सा तोहफा ये तशद्दुद और वायलेंस को तो खत्म नहीं कर सकता। और मैं ये कहूंगी कि जो बातें आज जैसे इतनी एंटरप्राइजिंग वेमेन डेंट नो के 1043 इज हेल्पलाइन, प्लीज आप लोग सब जहां बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, अपने इस मैसेज को आगे करें। इस दिन हम ये वादा करें कि ये मैसेज हम फैलाएंगे, हम सब औरतों में ये बातें फैलाएंगे। और मैं एक बात बता दूं कि दुआओं का कोई रंग नहीं होता लेकिन उसका बहुत बड़ा असर होता है दुआओं में, और किसी की दुआ बहुत लगती है। प्लीज दूसरों की दुआएं लें। रब इन्नी लिमा अंसलता इलैया मिन खैरन फकीर, ए रब जैसे मैं फकीर तेरी रहमतों की तलबगार हूँ, तू रहती दुनिया तक इस मुल्क के हर मर्द और औरत पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, औरतें स्ट्रांग होंगी तो अच्छी माएं बनेंगी, अच्छी बहनें बनेंगी। अगले हफ्ते तक अल्लाह हाफिज़।